हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के। हमने कुछ एग्जांपल्स कर ली थी, कुछ एग्जांपल्स आज करेंगे, बिकॉज इसके जो एग्जांपल्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डिस्कस द कन्वर्जेंस। ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to 1 log of x upon square root of 1 minus x square dx, right? Solution, हाँ जी, what is fx? fx is log x upon 1 minus x square, ठीक है। और 0 से लेके 1 के बीच में यू कैन सी log x इज नेगेटिव, राइट, ठीक है। बिकॉज log 1 0 होता है, उससे पहले जो है 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज होती है log की, दे आर नेगेटिव। और जितने भी हमने कंपैरिजन टेस्ट किए हैं दे ऑल एज्यूम टू बी द फंक्शन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एफ एक्स वी विल कंसिडर माइनस एफ एक्स, बिकॉज अगर एफ एक्स नेगेटिव है आपका तो माइनस एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ यू कैन से दिस फंक्शन इज पॉजिटिव ऑल ओवर द इंटरवल 0 to 1, ठीक है। और ये भी एक रिजल्ट है कि अगर आपका एफ एक्स कन्वर्जेंट है, इंटेग्रल एफ एक्स इज कन्वर्जेंट एंड इंटेग्रल माइनस एफ एक्स विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर हम माइनस एफ एक्स का बिहेवियर चेक कर लेंगे तो हमारे पास एफ एक्स का बिहेवियर पता चल जाएगा हमें, राइट। हाँ जी, अब बड़े ध्यान से इसको देखना है कि वट शुड बी द कंपेरिजन इंटेग्रल। इसके लिए हमारे पास, हम एक रिजल्ट यूज करेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स रेज टू एन टाइम्स लॉग एक्स, दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो इफ एन इज पॉजिटिव। ये जो लिमिट होती है ये जीरो के बराबर होती है अगर आपका जो एन है वो पॉजिटिव हो, राइट। हाँ जी, एक तो ये चीज, राइट। उसके बाद, हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है डेट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एफ एक्स डी एक्स की हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है। और किस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी बन रहा है, 0। सो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो कंपैरिजन है हम किस फंक्शन से करेंगे, वी विल कंपेयर इट फंक्शन विद अ फंक्शन एक्स माइनस ए होता है, ए क्या है, 0, एक्स रेज टू एन के साथ कुछ ऐसा फंक्शन होगा, व्हाट शुड बी एन, राइट। और हमें ये रिजल्ट यूज करना है साथ में कि ये जो है 0 आ जाए, राइट। तो 0 के केस में अगर हमारे पास माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वो 0 होती है, देन देयर इज समथिंग टू से इन वन डायरेक्शन ओनली। व्हाट इज दैट डायरेक्शन, कि अगर आपके पास इंटीग्रल जी एक्स कन्वर्जेंट होगा देन यू कैन से इंटीग्रल माइनस एफ एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो यू आर टू चूज जी एक्स इन सच अ वे सच दैट दिस एन इज लेस देन 1, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल जी एक्स इज कन्वर्जेंट ओनली इन वन केस, ओनली द केस व्हेन एन इज लेस देन 1, ठीक है। तो इफ आई टेक जी एक्स टू बी 1/x^(1/2), ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट 0 है, 0 पे देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वॉट इज दिस, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लॉग एक्स अपॉन x^(1/2) पर आ जाएगी, इट इज 1 - x², ठीक है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द ये फॉर्म बन गई, इसकी लिमिट क्या है, ऊपर वाले की 0, नीचे वाले की है 1, तो 0/1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। सो जब ये कोशेंट की लिमिट 0 के बराबर हो और हमारे पास इंटीग्रल जी एक्स कन्वर्जेंट हो, कहने को तो आप यहाँ पे आप कहोगे कि हम जी एक्स को हमने 1/x² क्यों नहीं लिया, तब भी ये लिमिट 0 हो जाती है, बट इन दैट केस यू कांट से एनीथिंग अबाउट इंटीग्रल माइनस एफ एक्स, बिकॉज दिस रिजल्ट इज ओनली वन डायरेक्शन, कि अगर आपके पास इंटेग्रल जी एक्स कन्वर्जेंट है देन इंटेग्रल एफ एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो यू हैव टू टेक हियर समथिंग लेस देन 1, जहां जिससे ये जो जी एक्स है वो कन्वर्जेंट हो जाए, इंटेग्रल जी एक्स, ठीक है। सो इंटेग्रल जी एक्स इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इंटेग्रल एफ एक्स इज कन्वर्जेंट, माइनस एफ एक्स इज कन्वर्जेंट, सिंस माइनस एफ एक्स का इंटेग्रल कन्वर्जेंट है देयरफॉर इंटेग्रल एफ एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट। सो दिस वे यू आर टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट द इंटेग्रल
0 to pi by 2 sine mx upon x raised to n. X is if and only if n is less than m plus 1. This question is very very important. तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, right? हाँ जी. तो सबसे पहले आप देखिए 0 to pi by 2 जो इंटरवल है इसमें जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तब बनेगी इस फंक्शन की जब ये जो x की पावर है ये नीचे ही रहेगी. ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूं fx को. व्हाट इज fx? पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन इनफाइनाइट बन कब रहा है, राइट? इसको हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन x की पावर m 1 अपॉन x की पावर n माइनस m. ठीक है, तो व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट जीरो? ठीक है, तो ये बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x की पावर m 1 अपॉन x की पावर n माइनस m. नाउ व्हाट इज दिस लिमिट? ये डिपेंड करती है n माइनस m की वैल्यू पे. हाँ जी, इसकी लिमिट है 1. इसकी लिमिट जब n माइनस m नेगेटिव हो जाएगा तो ये x की पावर ऊपर चली जाएगी. x की पावर ऊपर जाने से जीरो पे लिमिट क्या आ जाएगी? जीरो. तो दिस लिमिट विल बी जीरो इफ n माइनस m इज लेस देन जीरो. अगर n माइनस m जीरो के बराबर है मतलब ये जो पावर है ये x खत्म हो जाएगा, तब लिमिट किसके बराबर है? 1 के बराबर. जब n माइनस m पॉजिटिव है तो ये x की पावर नीचे ही रहेगी. x की पावर नीचे रहने की वजह से जीरो पे ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, राइट? सो दिस इंटीग्रल, ये जो गिवन इंटीग्रल है, दिस द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर. ठीक है, व्हेन इन दोनों केसेस में व्हेन n माइनस m इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, दैट इज n इज लेस देन और इक्वल टू m. ठीक है, तो उस केस में तो जीरो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं. बट जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी व्हेन n इज बिगर देन m. तो इस केस में हम चेक करेंगे कि वेदर इन दिस केस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और नॉट. ठीक है, इसमें से कौन सी वैल्यूज में ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, राइट? हाँ जी. सो fx क्या है हमारे पास? sin x अपॉन x की पावर m 1 अपॉन x रेज़ टू n माइनस m. यू टेक gx टू बी 1 ओवर x की पावर n माइनस m. ठीक है, सो व्हाट विल बी द लिमिट? x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन gx. जब fx अपॉन gx करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? ये इसके 0 पे लिमिट क्या है? 1 की तरफ. ठीक है, सिंस दिस लिमिट इज 1 देयरफॉर इंटीग्रल fx एंड इंटीग्रल gx विल बिहेव अलाइक. दोनों का बिहेवियर सेम होगा. नाउ व्हाट इज इंटीग्रल gx? इंटीग्रल gx कन्वर्जेंट कब होगा? इंटीग्रल gx इज व्हाट? इंटीग्रल 1 ओवर x की पावर n माइनस m. और इसका हमें बिहेवियर पता है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n माइनस m इज लेस देन 1, दैट इज n इज लेस देन m प्लस 1, राइट? So, integral fx is convergent if, हाँ जी, केस कौन सा चल रहा था? m less than n वाला. और यहां से क्या आया कि it should be less than m plus 1, तब convergent होगा जाके, right? हाँ जी, तो the integral fx जो है वो proper है and hence convergent. Proper integral is always convergent. ठीक है, convergence की बात ही तब आती है जब integral improper हो. अगर proper है तो convergent है. ओके, तो इट मींस दिस कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, सॉरी n इज लेस देन और इक्वल टू m के लिए तो कन्वर्जेंट था ही. और यहां से आ गया कि इट इज कन्वर्जेंट इफ m इज लेस देन n एंड इट इज लेस देन m प्लस 1. ठीक है, तो ये हुआ m. यहाँ n की वैल्यू जब m से छोटी है तब भी कन्वर्जेंट है, और m से बड़ी है तब कन्वर्जेंट कब है? जब ये किससे छोटी है? m प्लस 1 से. ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज के लिए n की सारी ये सारी वैल्यूज के लिए इंटीग्रल fx इज कन्वर्जेंट. सो इंटीग्रल fx इज कन्वर्जेंट कंबाइनिंग दीज टू केसेस फॉर द वैल्यूज व्हेन n इज लेस देन m प्लस 1. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4. It says, find the values of m and n for which the integral
इंटेग्रल 0 टू 1 x रेज टू n e रेज टू माइनस एम एक्स डी एक्स, दिस इज कन्वर्जेंट, राइट। तो यहाँ पे भी आपने बड़े ध्यान से करना है, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज x रेज टू n टाइम्स e रेज टू माइनस एम एक्स, ठीक है। हाँ जी, तो जब तो ये है ना दिस इंटेग्रल, ये जीरो पॉइंट पे इसकी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कब होगी, जब ये x की पावर नीचे जाएगी, और x की पावर नीचे तब जाएगी जब n नेगेटिव होगा। सो दिस इंटेग्रल इज प्रॉपर, इंटेग्रल एफ एक्स इज प्रॉपर, मतलब जीरो इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी एट ऑल इफ n इज पॉजिटिव, क्योंकि x की पावर जब ऊपर ही रहेगी तो जीरो दिक्कत नहीं करेगी उस केस में, बट जब x की पावर नीचे आ जाएगी तब जीरो दिक्कत है, राइट। सो जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, ये प्रॉपर है, क्योंकि जब एन इक्वल टू जीरो होगा तब एक्स खत्म ही हो जाएगा, राइट, तब भी कोई जीरो दिक्कत नहीं कर रही। सो जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी इफ एन इज नेगेटिव। तो वी विल डिस्कस दिस केस ओनली, कि इस केस में इंटीग्रल एफ एक्स कन्वर्जेंट कब है। सो व्हाट इज एफ एक्स हियर, एक्स यू कैन राइट इट एज माइनस एम एक्स अपॉन एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है। यू टेक जी एक्स टू बी 1 over x की पावर माइनस एन, वॉट इज लिमिट x टैंडिंग टू जीरो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टैंडिंग टू जीरो e रेज टू माइनस एम एक्स, और इस पे जीरो की लिमिट क्या, पे लिमिट क्या है 1 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ से क्या आया, इंटेग्रल एफ एक्स एंड इंटेग्रल जी एक्स बिहेव अलाइक, ठीक है। नाउ व्हाट इज बिहेवियर ऑफ इंटेग्रल जी एक्स, दिस इज कन्वर्जेंट, ये कब कन्वर्जेंट होता है, व्हेन इफ एंड ओनली इफ माइनस एन इज लेस देन वन, दैट इज एन इज बिगर देन माइनस वन, ठीक है। तो केस कौन सा चल रहा था, एन लेस देन जीरो वाला, एन लेस देन जीरो, दिस इज जीरो, एन इससे छोटा हो बट बिगर देन क्या हो, माइनस वन हो, तो मतलब कौन सी रेंज आ गई, ये वाली, ठीक है। तो इस रेंज के लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और इससे बाद वाले के लिए तो कन्वर्जेंट था ही, तो ये पूरा टोटल क्या हो गया, द इंटीग्रल एफ एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एन इज greater than minus 1, is it clear? Next question, example number 7. It says discuss the convergence of beta function or show that the integral 0 to 1 x raised to n minus 1 1 minus x key power n minus 1 dx is convergent if and only if m is positive and is positive, right? Solution, Anji. सो आप देख सकते हैं द गिवन इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, ठीक है। इस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन। हमने देखना है कि ये इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट है, सो ये हमने प्रूव करना है कि जब एम पॉजिटिव है एन पॉजिटिव है ओनली देन इट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं व्हेन एम माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये तब एक्स की पावर या माइनस एक्स की पावर नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो m greater than equal to 1, n greater than equal to 1 के लिए तो ये convergent है ही, right? Now what about less than? So we will discuss the case when m is less than 1, n is less than 1. So in that case, 0 and 1 both are point of infinite discontinuity, ठीक है। तो इस केस में हम दोनों जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटीज है इनको इकट्ठे डील नहीं कर सकते, सो यू विल हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू टू पार्ट्स। तो मिड का पॉइंट लेते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 0 टू 1 बाय 2 और 1 बाय 2 से लेके 1 तक। इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे। सो दिस इज योर आई वन एंड दिस इज योर आई टू। I1 is integral from 0 to 1 by 2 x की पावर n minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx, ठीक है। सो आप देख सकते हैं when m is less than 1 m minus 1 is negative, so 0 is the point of infinite discontinuity। तो fx को हम क्या लिखते हैं,
x की पावर n माइनस वन, वन माइनस x की पावर n माइनस वन, यू कैन राइट इट एज वन माइनस x की पावर n माइनस वन अपॉन x की पावर वन माइनस m, ठीक है. सो यू टेक जी एक्स टू बी वन ओवर x की पावर वन माइनस m, ठीक है. सो व्हाट विल बी द लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, x की पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास वन माइनस x की पावर n माइनस m, तो लिमिट विल बी वन. So what do you conclude here from here that integral fx and integral gx behave alike, ठीक है. और integral gx का क्या behavior है, integral gx is integral 1 over x की power 1 minus m, this is convergent if and only if 1 minus m is less than 1, that is minus m is less than 0, that is m is positive, right. So same way you check I2, that is integral from 1 by 2 to 1, x की पावर n माइनस वन, वन माइनस x की पावर n माइनस वन डी एक्स, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज वन बाई टू वन एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस x की पावर वन माइनस n, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू विल टेक जी एक्स टू बी वन ओवर वन माइनस x की पावर वन माइनस n, बिकॉज वन इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हियर. एंड इंटेग्रल ये लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, it will be limit extending to 1 x ki power a minus 1 which is 1, theek hai. So integral fx and integral gx will behave alike, theek hai. Now what is integral gx, what can you say about this integral, it is integral 1 over 1 minus x ki power 1 minus n, and such kind of integral 1 by 2 se leke 1 ke beech mein where 1 is the point of infinite discontinuity, you can see this is convergent if and only if 1 minus n is less than 1, that is n is positive, ठीक है. तो I1 is convergent if m is positive, I2 is convergent if n is positive, right. So combining the two cases you can say the given integral I is convergent if and only if m is positive and n is positive. So we have arrived at the result that beta function is defined only when m is positive and n is positive. तो same way जो आपकी इस exercise की example रह गई वो सारी आपने करनी है, कोई भी example आपने नहीं छोड़नी. और जो आपकी exercise है exercise 2.2 इसकी इसका हर एक question आपने solve करके अपनी fair notebook पे उतार लेना है, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम इसको रीड करो तो आपको इजीली सब पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, ओके. अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू.